दोस्तों बात करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल्स पे, एम्बुलेंस पे ये प्लस का जो साइन होता है रेड कलर का, कई लोग इसको जानते कई लोग नहीं समझ पाते, तो इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि ये क्या है। देखो होता क्या है कि जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब क्या था कि बहुत से सैनिक जो है जख्मी हो जाते थे और मर जाते थे, उनको सही समय पर कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती थी। तो क्योंकि पुराने समय में कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता था कि भाई जो युद्ध चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं, इनके बीच में कोई मेडिकल सुविधा भी हो, या बोलना चाहिए कि किसी भी तरह की सुनियोजित, वेल एस्टेब्लिश्ड किसी तरह की सर्विस नहीं थी। तो वहाँ पर क्या होता था, किसी को कुछ हो गया तो वो उसको ठीक नहीं कर पाता था, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता था, किसी तरह की नर्सिंग सुविधा नहीं थी। तो ये बहुत पुरानी बात है, इतिहास की बात है। तो होता क्या है, एक हमारे बोला चाहिए साइंटिस्ट हैं, बोला चाहिए हेनरी डुनेट ने 1863 में ये चीज़ को देखा और उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक सोसाइटी बनाई जाए कुछ लोगों की जोड़ के, जो कि ऐसे लोगों को मदद करें जो युद्ध में लड़ रहे हैं लेकिन उनके पास कोई मेडिकल सुविधा तो है नहीं, क्योंकि मेडिकल सुविधा एक आम आदमी के लिए होती थी शहरों में जो रहते थे, लेकिन सैनिकों का क्या। तो होता क्या था कि उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने इटली जाकर उनके जो भी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री जो भी रहते थे, उनके बड़े लोग, उनसे बात करी कि भाई मैं ऐसा ऐसा करना है। तो वहाँ से उनको मंजूरी मिल गई थी कि भाई हम आपके सैनिकों की जो है सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, बोले जी निःशुल्क। तो फिर उन्होंने बनाया कि भाई ठीक है। अब होता क्या था कि कैंप्स लगते थे, बहुत सारे जख्मी रहते थे, लोग भीड़ बहुत ज़्यादा रहती थी, तो क्या होता था एक टेंट होता था, उसमें सारी मेडिकल सुविधा होती थी, सारे जो है दवाइयाँ वगैरह। तो उस टेंट को पहचानने के लिए एक रेड क्रॉस बनाया गया कि कोई ऐसा एक स्पेशल टेंट दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पर जाएंगे तो आपको मेडिकल सुविधा मिल जाएगी। तो रेड क्रॉस उन्होंने साइन रखा, तो उससे दूर से पता चला था कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी का टेंट है, यहाँ पर हम जाएंगे तो हमको हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये चीज़ सही थी, शांति का प्रतीक थी, लोगों की मानव सेवा के लिए तैयार की गई थी। तो 1863 में हेनरी डुनेट ने इसको बोला चाहिए स्थापित किया था कि भाई ये चीज़ चलना चाहिए, और लोगों को अच्छा भी लगा, और इसलिए हेनरी डुनेट को बोले चाहिए कि नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। तो उनकी जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी को भी 1917 में 3 बार अवार्ड मिला, क्योंकि सबसे बेस्ट अच्छा काम करने वाली सोसाइटी है। आज तक किसी भी सोसाइटी को ये अवार्ड नहीं मिला है, 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, क्योंकि सभी कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया और सभी कंट्रीज ने इसको अपने देश में इसके अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया है। हमारे इंडिया में बोलना चाहिए कि जो ब्लड बैंक्स होते हैं इसी सोसाइटी के द्वारा संचालित किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ब्लड बैंक में आपको ज़्यादातर आपको ब्लड मुफ्त मिल जाता है या हर तरह के लोगों को दिया जाता है, ठीक है। और इस सोसाइटी का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि भाई हर व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी कलर का हो, किसी भी, उसको हेल्थ सेवा मिलना चाहिए, ठीक है। पैसा नहीं है तब भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये है, और बात की जाए इसका डे कब मनाया जाता, 8 मई को इसका बोलना चाहिए कि वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी डे मनाया जाता है। अब ये 8 मई क्या है, हेनरी डुनेट का बर्थडे है, इस दिन इनका जन्म भी हुआ था, इसलिए उनकी याद में इसको वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी डे मनाया जाता है, ठीक है। ये है, तो इसका सिर्फ सीधा सा फंडा है कि भाई किसी व्यक्ति ने इसको मानव सेवा के लिए शुरू किया था, तो वो आज भी चल रही है और ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में ज्वाइन है, एम्बुलेंस में देख लो चाहे हॉस्पिटल्स में देख लो। सिर्फ इसका ये मतलब भाई ये मानव सेवा के लिए सर्विस में है, ठीक है। जो जाति धर्म नहीं देखता है, सिर्फ ये हेल्थ केयर सुविधाएँ प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इसका ये भी था कि भाई निःशुल्क सेवा, बट आजकल निःशुल्क सेवा होती नहीं है, क्योंकि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसको लगा लेते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई बड़ा डॉक्टर है, तो वो हो सकता है कि उस सोसाइटी से जुड़ा हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति हेल्थ केयर से जुड़ा है और अगर वो प्राइवेट काम करता है लेकिन वो रेड क्रॉस सोसाइटी से नहीं जुड़ा है, रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं करता, तो उसको नहीं लगाना चाहिए इसको। लेकिन इंडिया में सभी लोग लगाते हैं, कोई डॉक्टर का चाचा मामा का भतीजा भी है तो वो भी प्लस का साइन लगा के गाड़ी पे घूमता है, सो क्या ठीक है, चलता है इंडिया में। लेकिन इसका मतलब यही है कि आप रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हैं, उसके अंतर्गत काम भी करते हैं और मानव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये है दोस्तों क्या रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर भी आप जान लो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर WHO का भी है, ठीक है।
आई होप आप समझ रहे होंगे कि भाई रेड क्रॉस सोसाइटी का मतलब क्या है, ये प्लस का साइन क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सर लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको मिलेंगे वीडियो के नोटिफिकेशन। ठीक है, और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।